वेलकम टू मंदाना एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। साथ ही साथ हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे, हाउ यू कैन कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम टू इक्वेशन एंड इक्वेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट बाय टेकिंग डेरिवेटिव। सो लेट्स हैव अ लुक व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक टेक एलसीएम, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, और डायरेक्टली टेक द डेरिवेटिव। आपकी मर्जी, आप कैसे भी फॉर्म करो। सो लेट्स टेक द डेरिवेटिव, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक द एलसीएम। सो हो जाएगा बी एक्स ए वाई, ए इंटू बी इज इक्वल टू वन। ए इंटू बी इधर भेजा था, जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बी एक्स का डेरिवेटिव बी इंटू वन, ए वाई का डेरिवेटिव ए टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ए भी मर जाएगा, डेरिवेटिव जीरो। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो नहीं रहा है, प्लस भी उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस भी। ये है ए डी वाई बाई डी एक्स, ए उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, आ जाएगा माइनस भी अपॉन ए। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ ये मर गया, ये आ गया वाई डैश डैश। सो दिस इज अवर डिजायर्ड सॉल्यूशन। इसी तरीके से करना है हर बार, वेन एवर यू किल द कॉन्स्टेंट दैट इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, यू आर एबल टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन है, बट बिफोर हैव अ लुक एट इट, मुझे ऐसा लगता है इफ यू मल्टीप्लाई इट, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू किल द कॉन्स्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स, आई एम राइटिंग वाई डैश बिकॉज इट सेव्स टाइम। ये मर गया, डेरिवेटिव जीरो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, नाउ अगेन फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। द रीजन इज वी वॉन्टेड टू किल टू ए। सो आइडिया नंबर वन इज टेक एक्स अदर साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2y y डैश, मैंने ना क्या करता हूँ 2x इस तरफ ले आ जाता हूँ और माइनस ए इधर रहने देता हूँ। अब 2 टू कट। नाउ इफ यू टेक द डेरिवेटिव, आई वुड बी एबल टू किल द माइनस ए। सो राइट इट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। एज यू नो दैट वी विल अप्लाई द डिविजन रूल। ये मर गया इधर, x का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x बाहर, ठीक है। वाई वाई डैश का डेरिवेटिव, वी विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। वाई बाहर वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डैश डैश, वाई डैश बाहर वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। कूल, आगे वाई वाई डैश बाहर एक्स का डेरिवेटिव वन। सो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा बेचारा, जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली और फाइनली पिक्चर जो बन रही है वो ये बन रही है कि दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये जो दिख रहा है आपको फाइनल आंसर है। यू कैन सिंप्लीफाई इट बाय राइटिंग एक्स इंटू वाई इंटू वाई डैश डैश, ये एक्स इसके साथ इंटू हो जाएगा। सो एक्स वाई डैश का स्क्वायर इधर आ जाएगा वाई वाई डैश। सो दिस इज हाउ वी फाउंड द आंसर। इट वॉज अ रियली ईजी वन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। MHT CET की तैयारी, क्या आप VJTE और COEP जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं? क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना? आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी? क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हजारों बच्चे COEP और VJTE जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स। सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन। दूसरी बात, PCM और PCB की 50 फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अनअकैडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे।
रैपिड रिविजन कोर्स भी है 100 आवर्स का PCM के लिए, PCB के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो. कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन. जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गवाना नहीं है. जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए. दोस्तों मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं. देखिए ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर. आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं, और दूसरी बात IIT से हैं. क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं. तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं. रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है. तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे. यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस. दोस्तों मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च करे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए. द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन. तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए. और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499. इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज. दोस्तों टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है. चीजें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं. तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका 0 है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है. दोस्तों आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है. आई थिंक टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू किल द कांस्टेंट बिकॉज e^x का डेरिवेटिव e^x होता है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट इट. एक ही आइडिया है कि आपने को रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. इट इज़ अ क्वाइट लेंदी वन बिकॉज पावर डिफरेंट है. ठीक है, सो स्टिल आई कैन किल द कांस्टेंट बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ रीसब्स्टिट्यूशन बिकॉज अपने को y कहीं ना कहीं यूज करना है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव. a बाहर e^3x का डेरिवेटिव e^3x, बट x था क्या? वो x नहीं था, बाय कांस्टेंट रूल, बाय चेन रूल आ जाएगा. यहां पे आ जाएगा 2. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. फिर से डेरिवेटिव लो, सो जाएगा 9 a के पावर में 3x 4 b e की पावर -2x. अब आपको कुछ भी करके ऐसा करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. ठीक है, बट यू नीड टू रीसब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स. आपको कहीं ना कहीं रीसब्स्टिट्यूशन देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थिंक ऑफ दीज थिंग्स. अब सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा बिकॉज इफ यू गोइंग टू सब्स्टिट्यूट e^3x, गॉट इट? यहां पे अगर करेंगे तो आई थिंक इट्स वर्थ इट. मुझे ऐसा लगता है ये वर्क करेगा. सोच के देखो, अगर ये इधर भेज दिया जाए तो y माइनस बी e^2x इधर लिख सकते हैं, बट स्टिल b मरने को तैयार नहीं है. देखो मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम कैसा था? इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, तो डायरेक्टली आ गया था. नाउ अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया. ऑप्शन नंबर 1 लेंदी मेथड, जो कि मैं यूज नहीं करूंगा. ऑप्शन नंबर 2 स्मार्ट वर्क. अभी स्मार्ट वर्क क्या है वो सुनो. ठीक है, जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 आता है, हाँ या ना? हाँ.
हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं इसको मारने के लिए क्या क्या लगेगा मुझे बताओ। अगर वाई डैश डैश में से मैं प्लस कर देता हूँ वाई डैश, क्या बोला मैंने सुनो, वाई डैश डैश में प्लस कर दूँ वाई डैश ये वाला, तो क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा? नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैंसल आउट, क्योंकि ये देखो इधर तीन है इधर दो है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, इसको अगर टू से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा टू से फिर टू और थ्री फाइव, फिर भी नहीं मरेगा। देखो ये नाइन है ये फोर है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं। लेट मी चेक वन थिंग, इसको अगर थ्री से इंटू कर दे तो ये दोनों को कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। इफ यू मल्टीप्लाइड विथ थ्री देर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि कैंसिल आउट हो जाए। देखो अदरवाइज कैसा, सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे टाइम लग जाएगा एंड इट हैपन्स, और वो होके रहेगा। जाने दो, हम डायरेक्ट मेथड ही लगाते हैं और लेंदी मेथड ही लगाते हैं। मैं बता भी दूंगा मेरा आंसर आ चुका है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन यू इनिशियली। तो चलो जाने दो, हम रेगुलर मेथड ही लगाते हैं। अब रीसब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो क्या करो आप, इन दोनों इक्वेशन को एडलेस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ क्या है, सी द सिंपल आइडिया, ये है नाइन ये है फोर, हाँ या ना? हाँ, ये है नाइन और ये है फोर, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि इनको कैसे मार सकते हैं, तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट ये थ्री ए माइनस टू बी, समझो ये थ्री ए है माइनस टू बी है, तो ये मर रहा है क्या? नहीं मर रहा है। तो यहाँ पे देख लो ये बारह ए हो गया और ये दो बी हो गया, तो क्या ये बारह ए दो बी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक और आइडिया लगाओ, आप इन सबको डबल कर दो, इनको डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स ए, ये हो जाएगा फोर बी, अब ये मर गया इधर बच गया फिफ्टीन है। अब यहाँ से फिफ्टीन ए को अरेंज करना पॉसिबल है क्या? नहीं है, अगेन देर इज अ डिफिकल्टी। एक काम करो, सेकेंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीजन है, नाइन ए ई रेस टू एक्स माइनस थ्री ए ई रेस टू एक्स, ठीक है, फोर बी माइनस माइनस टू बी कितना आ रहा है? प्लस टू बी। तो देखो एक लकी चीज आ गई है, वो सिक्स है प्लस सिक्स भी। देखो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इतना ऑब्जर्वेशन आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। आगे अदरवाइज ये मेथड नहीं लगाते हैं तो अपने को एडलेस करके बहुत सारा टाइम चले जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए बताइए, देखो लेंथी मेथड तो आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ। मेरा बस ऐसा कहना है कि ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये नहीं दिखना चाहिए तो इसको मारना है, मतलब किसको मारना है, इसको, वी हैव टू किल दिस एनी वे, ठीक है। तो मुझे बताओ 9a है और 4b है, ठीक है, आप क्या करो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो एक मजा आने वाला है, क्योंकि हमको सेम चीजें चाहिए। अगर ये दोनों सेम रहे पार्टी, दिख रहा है इधर इधर 9a इधर 4a, कॉमन क्या लेंगे? पहले क्या हो रहा था, कॉमन ले लिया था ए ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी ई रेस टू माइनस टू एक्स, अपन ने सब्स्टिट्यूट करा था। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मजा आ रहा है, या तो प्लस करो या तो माइनस करो। अगर प्लस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा 12 प्लस 2, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो देखो मजा आ गया, सब्ट्रैक्ट करो ना, देखो क्या आ रहा है, तो इधर आएगा माइनस थ्री ए प्लस टू बी, ये जाएगा 6 ए प्लस 6 बी, अब मजा आ रहा है, इट फील्स मी क्रेजी, अब मजा आ रहा है, क्योंकि देखो ये 6 ए 6 बी बन गया, रीसब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। सो व्हाट आई विल डू, दिख रहा है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन वन फ्रॉम टू, सो सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू। सो बच्चा लोग टू क्या है, वाई डैश डैश इज इक्वल टू नाइन ए ई की पावर में तीन एक्स, फोर बी ई की पावर माइनस टू एक्स, और इधर है वाई डैश जो कि है थ्री ए ई रेस टू थ्री एक्स माइनस टू बी ई रेस टू माइनस टू एक्स, इस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो इसको माइनस मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जाएगा वाई डैश डैश माइनस वाई डैश, इधर आ जाएगा 6 ए ई रेस टू थ्री एक्स, ये हो जाएगा 6 ए ई रेस टू माइनस टू एक्स,
छः कॉमन ले लो दोनों में से, तो इधर आ जाएगा वाई डैश डैश माइनस वाई डैश सिक्स ए ई रेज टू थ्री एक्स प्लस सॉरी बी है ना यहाँ पे बी ई रेज टू माइनस टू एक्स। देखो अब की बार इसको हम वाई ले सकते हैं, तो आंसर आ चुका है वाई डैश डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू सिक्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो वी डिड समथिंग स्मार्ट वर्क, हमने एक स्मार्ट वर्क करा, अदरवाइज यहाँ पे एडलेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। सो आपको एक नई टेक्निक मैंने बता दी जो यूजुअली स्कूल्स में या कॉलेजेस में बताई नहीं जाती। आई होप आप हमारे स्मार्ट वर्क से खुश होंगे। अदरवाइज लेंथी मेथड में रीसब्स्टिट्यूशन करना आप भी जानते हो, जैसे याद है अपन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की सॉल्विंग करते थे, वैसे यही सॉल्विंग करनी पड़ती थी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती थी, विच इज क्वाइट लेंथी। देखो ऑब्वियस है, वो बच्चे को भी समझ रहा है कि वैसा कुछ करना पड़ेगा, बट आई डिड इज वॉट स्मार्ट वर्क, क्योंकि अपने को इनको सेम बनाना था। स्मार्ट वर्क क्या था इस क्वेश्चन में कि देखो इन दोनों को प्लस माइनस करके सेम बनाना था, तो मैंने प्लस किया तो नहीं बना, माइनस किया तो बन गया। देखो आ रहा है ना सेम दोनों, सो सेम आ गया तो कैसा, फिर सिक्स को कॉमन लेते आता था, अभी इधर से नाइन और फोर में से कॉमन क्या लेंगे, अदरवाइज देखो सिक्स है सिक्स भी है तो सिक्स कॉमन ले लिया यहाँ पे। सो इट वॉज अ स्मार्ट वर्क, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।